म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं या फिर सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है जो कि रेगुलर ब्याज देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करती है और उसमें मार्केट रिस्क भी नहीं होता है, जिसे डेट फंड्स बोलते हैं। इन्हीं डेट फंड की एक सब कैटेगरी होती है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। तो इन वीडियो में हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कौन कौन से तीन बेस्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम किसी शॉर्ट टर्म गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे 3-6 महीने या साल 2 साल के लिए, तो ऐसे समय में हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का यूज़ करते हैं। छोटे गोल जैसे कि हमें नया आईफोन परचेज़ करना है, उसके लिए सेविंग करना है, या फिर किसी वेकेशन के लिए सेविंग करना है, अपने होम लोन के डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करना है, तो ऐसे जो साल 2 साल में कंप्लीट होने वाले गोल हैं, इन गोल्स के लिए हम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं बहुत ही सेफ फंड होते हैं, इनमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और ये हमारे सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करके दे सकते हैं। हम ऐसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं जिनका AUM हाई हो, रिस्क पैरामीटर्स लो हैं और जिन इंस्ट्रूमेंट्स में इन फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है उनके क्रेडिट रेटिंग AAA रेटेड हो या उसके इक्विवेलेंट हो। चलिए देखते हैं कि टॉप 3 अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड कौन से हैं। हमारी लिस्ट में जो पहला फंड है SBI मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। इस फंड का इंसेप्शन 1999 का है, AUM 12,000 करोड़ है। इस फंड के फंड मैनेजर मिस्टर आर अरुण, जो 2021 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दूसरा मिस्टर मोहित जैन है, जो 2017 से मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इस फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं है और एक्सपेंस रेशियो 0.49% है। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर परफॉर्मेंस 3.62%, 3 ईयर परफॉर्मेंस 4.95% है, 5 ईयर रिटर्न 6.12% है। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन देखें तो कॉमर्शियल पेपर्स में 32.26%, ट्रेजरी बिल्स में 18.61%, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स में 12.09%, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में 9.57%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 5.40% है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में 4.05% एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 18.02%। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन रेटिंग क्लास के हिसाब से देखें तो AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट में 12.09%, A1+ रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 41.83%, सोवरेन कैटेगरी में 28.06% एंड कैश 18.02% है। क्वांटिटेटिव डाटा देखें तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन 0.27 ईयर या 98 डेज है, एवरेज मैच्योरिटी 0.29 ईयर्स और 105 डेज है, मैकाले ड्यूरेशन 0.27 ईयर्स और 98 डेज है, यील्ड टू मैच्योरिटी 5.84% है। नेक्स्ट फंड जो हमारी लिस्ट में है ICICI प्रूडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। इस फंड का इंसेप्शन 2011 का है, AUM 13,000 करोड़, एक्सपेंस रेशियो 0.87% एंड एग्जिट लोड नील है। इस फंड के फंड मैनेजर मनीष मंती हैं, जो 2016 से मैनेज कर रहे हैं एंड एक्सपीरियंस 16 ईयर्स का है। रितेश लोनावत जो 2017 से मैनेज कर रहे हैं, जिन्हें 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर परफॉर्मेंस 3.73%, 3 ईयर परफॉर्मेंस 5.36% है, 5 ईयर रिटर्न 6.16% है। पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन देखें तो ट्रेजरी बिल्स में 24.79%, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट में 9.43%, कॉमर्शियल पेपर्स में 12.77%, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में 32.60% एंड करंट एसेट्स में 14.36% है। रेटिंग प्रोफाइल देखें तो AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 45.32%, AA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 14.65% एंड ए एंड इक्विवेलेंट रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 0.89% का एलोकेशन है, एंड सोवरेन कैटेगरी में 24.79% का एलोकेशन है एंड कैश 14.35% है। क्वांटिटेटिव पैरामीटर देखें तो एवरेज मैच्योरिटी 0.35 ईयर्स और 127 डेज है, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 0.30 ईयर्स और 109 डेज है, मैकाले ड्यूरेशन 0.32 ईयर्स और 92 डेज है, और यील्ड टू मैच्योरिटी 6.19% है। थर्ड फंड जो हमारी कैटेगरी में है कोटक सेविंग फंड। इस फंड का इंसेप्शन 2004 में हुआ था, AUM 11,000 करोड़, फंड मैनेजर्स मिस्टर दीपक अग्रवाल एंड मिस्टर विहाग मिश्रा हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.80% है, एग्जिट लोड नील है।
फर्स्ट परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर रिटर्न 3.43%, 3 ईयर रिटर्न 4.69%, 5 ईयर रिटर्न 5.74% है। पोर्टफोलियो एलोकेशन कमर्शियल पेपर्स में 51.18%, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स में 24.27%, ट्रेजरी बिल्स में 20.33% एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 2.30% का एलोकेशन है। रेटिंग प्रोफाइल देखें तो 88.85% A1+ एंड AAA रेटेड एंड सॉवरेन रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में है। 9.23% AA एंड AA रेटेड इक्विवेलेंट रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, 1.69% करेंट एसेट में। क्वांटिटेटिव डाटा देखें तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन 0.39 ईयर्स और 140 डेज है। एवरेज मैच्योरिटी 0.48 ईयर्स और 175 डेज है। मैकाले ड्यूरेशन 0.39 ईयर्स और 142 डेज है। एंड यील्ड टू मैच्योरिटी 6.17% है। दीज आर द थ्री टॉप थ्री अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। यदि इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।